एग्जाम शास्त्र में आपका स्वागत है। कृपया चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज CES यानी क्रेजी एग्जाम शास्त्र टॉप 15 जीके क्वेश्चन चलेगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और हमें फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, डॉक्टर CV रमन। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वह 1969 में तारापुर में लगा था, तारापुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, UNO की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है 1935, 1940, 1945, 1955। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 को। तो कब किया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वह एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस। और इनका मुख्यालय जो है UNO का वह न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम, एक मिनट, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा की स्थापना जो है कब की गई? तो ऑप्शन है 1945, 1948, 1956, 1966। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956। और इसे 2009 में जो है बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति यानी अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती थी? तो ऑप्शन है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका स्थापना जो है 1952 में, 1952 में 6 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ऑप्शन है प्रथम, तृतीय, पंचम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचम में, 1971 के आम चुनाव में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो ऑप्शन है 2010 से 15, 2012 से 17, 2015 से 20, 2016 से 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2012 से 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमें फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित है? तो ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलोर में। और इसका स्थापना जो है 1948 में किया गया था। मुख्यालय मुंबई में स्थित है मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन है 1940, 1945, 1948, 1965। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल यानी D2O की खोज जो है किसने किया था? तो ऑप्शन है SC यूरे, CH राव, HC रमन, BN राव। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HC यूरे। कब किया था? तो 1931 में। और इसका उत्पादन जब होने लगा तो वह 1932 से, उत्पादन स्टार्ट जो है 1932 से होने लगा, 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 12 अक्टूबर, 12 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 10 जनवरी। अभी आपको बताया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर। और स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में। और मनाया कब से जाने लगा? तो 1948 के बाद से, के बाद से मनाया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, UNO के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ऑप्शन है यूथांट, त्रिगवेली, बान की मून, डॉक्टर सुकरने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिगवेली। ये किस देश से थे? तो ये नॉर्वे से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाभा परमाणु अनुसंधान जो है केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है ट्रांबे, कलपक्कम, राजकोट, देहरादून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांबे में स्थित है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनओ की कार्यभाषा जो है कौन सी थी? तो ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। टोटल कितनी भाषा है? तो ऑप्शन पहला है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, तीन हो गया, फ्रेंच, रूसी और एक है स्पेनिश। स्पेनिश और कार्यकारी भाषा दो हैं, जो कि अंग्रेजी और फ्रेंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय। कब से कब तक चला था? तो 1961 से लेकर 1966 तक, क्योंकि असफल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड के। नीदरलैंड में हेग नामक स्थान पर स्थित है और इसमें 15 न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल जो है 9 साल का होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।